तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैम पे में अभी कुछ नए अपडेट्स के बारे में। अब कुछ अपडेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, कुछ अब बेकार हैं। तो उसमें से सबसे जो मतलब पहला अपडेट है उसके बारे में आपसे बात कर लूँ कि कभी भी आप देखिएगा, ये मेरा जो फैम पे का जो है वो मेरा रियल अकाउंट है, जो कि मैं इसको कई दिनों से मतलब कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आइकन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें से पहला तो ये रहता है कि अब यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप 7 डे का चैलेंज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपके सामने है, और यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट इस टाइम पे अगर आप कोई नया फैम पे आप बनाते हैं, जैसे कि अगर फिलहाल अभी कुछ ही दिनों में ऐसे कहीं कभी आप बना रहे हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो कि ये मेरा दूसरा अकाउंट है जो यहाँ पर मैंने बना रखा है। यहाँ पे आप बनाते हैं तो आप देखोगे नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे वो जो रेफर का प्रॉब्लम था, जो रेफर है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। सेकंड, यहाँ पे 7 डे का जो चैलेंज है वो दो चीज़ यहाँ से आपको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको वो सब का ऑप्शन आपको कहाँ से और कैसे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफर का। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप सबसे पहले आपको इसको इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पहला एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया गया, रेफर एंड विन का ऑप्शन, जो कि आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आपको रेफर करना तो सिंपली से यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। और जो ऊपर वहाँ पे एरो का जो ऑप्शन आपने देखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे पेज ओपन होके आ जाता है। थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह का, आपको इसको कॉपी करना है, और आप जिसको भी रेफ़र करना चाहते हैं आपको सिंपली से उसको भेज देना है। तो इस तरह से वो यहाँ पे आपका रेफ़र जो सॉल्व कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है हेल्प एंड सपोर्ट का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दे दिया आपके सामने। आपको इसको सिंपली सा क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाता है। इस पेज में आपको फैम पे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जितना भी जो भी आपको समझ ना आ रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे कैटेगरी दे दिया गया, तो आपको कोई जो भी प्रॉब्लम यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आपको सिंपली से यहाँ पर सर्च वाले पे आना है। अगर आपको रेफर से प्रॉब्लम हो रही हो या फिर 7 डे से चैलेंज का प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं 7 डे चैलेंज। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने चैलेंज यहाँ पे सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आपको मान लीजिए कि पहला वाला क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे अपना जो आपका जो फैम पे का रेफर कोड है, आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। उसको मैं अपने आने वाले अगली वीडियो में आप यहाँ पर नीचे डाल दिया करूँगा, जिससे आपको जो है रेफर का जो पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप सीधा जो है आप मेल कर सकते हैं फैम पे को मेल करने से वो डायरेक्टली आपको रिस्पांस दे देते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।